The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम है और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई करें, सबके मन में सवाल आते हैं, सब सोचते हैं कैसे पढ़ाई करें और रिक्वेस्ट करी मुझसे लोगों ने कि सर इसके बारे में कोई वीडियो बनाओ, तो इसके बारे में वीडियो आपके लिए पेश है। देखिए, एग्ज़ाम इफेक्टिव स्टडी बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज का है, स्टडी को इफेक्टिव कैसे बनाएं। इफेक्टिव स्टडी दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर एक, आप क्या पढ़ रहे हैं, कंटेंट। कंटेंट बहुत आसान है तो इफेक्टिव अपने आप हो जाएगा, कंटेंट बहुत मुश्किल है तो मुश्किल है। तब फिर दूसरा फैक्टर मैटर करेगा, आपका हाउ यू लर्न, राइट। हाउ यू लर्न इज द बिगेस्ट फैक्टर हियर, राइट। एंड देयर आर बेसिक फोर लर्निंग स्टाइल्स, फोर टाइप्स ऑफ लर्निंग, चार ही प्रकार की लर्निंग है, उसके अलावा है ही नहीं। क्या है? बेसिकली VARK, वर्क मॉडल, विजुअल लर्निंग, जो आप देखते हैं आप सीखते हैं। दूसरा है ऑडियो, ऑडियो मतलब आप जो सुनते हैं आप सीख सकते हैं। थर्ड इज योर रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, जो आप देख लें, रीड कर लें और लिख लें, लिख लें, दैट इज हेयर। एंड फोर्थ इज जो काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक मीन्स करके आपने, आपने खुद किया तो आपको समझ गया, सो दैट इज समथिंग प्रैक्टिकल टाइप ऑफ थिंग, राइट। ये फोर चार तरीके हैं सीखने के। याद रखने के तरीके अलग हो गए। जितने अच्छे से आप इसको सीखोगे, जब आप मल्टी मॉडलिटीज, जब आप एक पर्टिकुलर कोई इस तरीके का मॉडल या सिर्फ विजुअल, सिर्फ रीडिंग, सिर्फ राइटिंग, सिर्फ ऑडियो ये यूज करते हैं, तो याद रखने की उतनी कैपेबिलिटी कम होती है, चांसेस, परसेंटेज कम होता है, 10%, 20%, 30%, अलग अलग लोगों में अलग। जब आप मल्टी मॉडलिटी यूज कर सकते हो तो वो 30, 40, 50, 60, 70 तक बढ़ जाता है। और उन सबसे बड़ी एक चीज है टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग हूम, टीचिंग अ चाइल्ड। आप बच्चे को सिखाने के हिसाब से पढ़ो और पढ़ के इमेजिन करके किसी बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को, किसी पांचवी, छठवीं, आठवीं क्लास के बच्चे को अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक आप पढ़ रहे हो, वो सिखाने की कोशिश करो, राइट। बेसिक चीज है, तो अगर आप उसको सिखाने के हिसाब से पढ़ोगे, देन लर्निंग जो टीचिंग है, टीचिंग से आपकी जो लर्निंग, जो मेमोराइजेशन वाली हिसाब किताब है, मेमोराइजेशन है, वो 90% 100% तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये हुई बात। इसलिए मल्टी मॉडलिटी स्टडी जरूरी है, जहां पे सारे ही चीज, विजुअल, ऑडियो, राइट, काइनेस्थेटिक और रीडिंग एंड राइटिंग एंड रिमेंबरिंग के लिए टीचिंग इज इंपॉर्टेंट, टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसको आपको बिठाना है अपने दिमाग में। टीचिंग से आपको पता भी चलेगा कहीं मुझे ही नहीं समझ रहा तो मैं क्या समझाऊं, तो आपको नहीं समझ रहा, दैट्स वाई यू गो बैक टू इट एंड स्टडी वेल। टीचिंग से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी होते हैं, है ना। इसीलिए इन सबको, ये सारे वर्क मॉडल को, विजुअल, ऑडियल, इसको दो तरीके से स्टडी को डिवाइड किया गया, बुक वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। मोस्ट जगहों पे बुक वर्क होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, रिटन एग्जाम होता है, क्लिनिकल एग्जाम होता है डॉक्टरी में, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वाइवा होता है, वट एवर इट इज, राइट। सो आपको क्या करना है, आइडियली वैसे करना क्या चाहिए था, एग्जाम डेट, अप्रोक्सीमेट एग्जाम डेट पता कर लेना चाहिए था, उसके पहले फॉर्मेट पता कर लेना चाहिए था कि भाई हाँ क्या क्या फॉर्मेट है, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं, कैसा, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कितने लॉन्ग, कितने शॉर्ट, कितने MCQ, क्या है फॉर्मेट, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट पता है, कैसे पता चलेगा, पुराने पेपर्स निकाल के देख लो, अपने सीनियर से पूछ लो, एक्स स्टूडेंट से पूछ लो, और देन वर्क बैक कि मेरे पास अब है कितने दिन प्रिपेयर करने के लिए, कितने महीने हैं, कितने दिन है, वर्क बैक कितना लॉ, कितना लंबा समय है, राइट। और फिर अपना एक प्लान बनाओ। विदाउट अ प्लान आप 100% इफेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। बेस्ट इफेक्टिव स्टडी प्लान के हिसाब से होती है। प्लान में कई लोग सोचते हैं कि हम एक पर्टिकुलर डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या मंडे और थर्सडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरा और दूसरा, एक डे डेडिकेट कर देते हैं एक सब्जेक्ट को। कई लोग एक ही दिन में सुबह कुछ पढ़ते हैं, शाम को कुछ पढ़ते हैं, अलग अलग घंटे, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीजें।
दोनों इफेक्टिव है, लेकिन बेस्ट इफेक्टिव रिसर्च वाइज देखा गया है मिक्सअप। मिक्सअप ज्यादा इफेक्टिव है कि ये भी करो ये भी करो। और क्या देखा गया है, और ये देखा गया है कि ये जो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला हिसाब है वो ब्लॉक सेशंस होते हैं, यानी एक साथ आप पढ़ रहे हो लंबा, वो ब्लॉक सेशंस आपको पढ़ने हैं सबसे पहले अपने बेसिक्स एस्टैब्लिश करने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए उस कॉन्सेप्ट के, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो बेसिक क्लियर करो। और उसके बाद फिर जो एक दिन में सुबह अलग दूसरा शाम को अलग 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 सब्जेक्ट पढ़ने वाला हिसाब है, दैट इज टू कंसोलिडेट थिंग्स, कंसोलिडेट करो और गो ओवर अगेन, है ना, रिविजिट री रेफरेंस करो बेसिकली उसको, और अच्छे से अपने दिमाग में मेमोरी में डालो। ये हिसाब है इसका। अब इसमें कोई कोई चीजें कैसे मदद करती है, नंबर वन जो रिसर्च वाइज देखा गया है, ये जो स्विचिंग टॉपिक्स हैं, यानी आपने सुबह कुछ पढ़ा शाम को कुछ पढ़ा बीच में ब्रेक है, वो जो स्विचिंग टॉपिक्स इज गुड फॉर मेमोरी, आप रिटेन ज्यादा करोगे अगर आप टॉपिक स्विच करोगे तो, नंबर एक, ठीक है। नंबर दो, चंकिंग इज अ बिग टॉपिक्स, जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हो तो लंबा टॉपिक है, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, हार्ट, मतलब मेडिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं बट आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, उसको चंक कर दो, चंक मतलब छोटे छोटे चीजों में डिवाइड कर दो, कि पेल्विस अलग, राइट, हैंड्स अलग, राइट, हेड एंड नेक अलग, वैसे ही चंक्स अलग अलग करके आप उसको पढ़ सकते हो, कोई भी बड़े टॉपिक का चंक्स कर लो, फिर चंक्स में स्विचिंग करो, सो यू विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, को रिलेशन कैसा होगा, चंकिंग इज इंपॉर्टेंट। दूसरा एक मेथड है कैरिंग। कैरिंग में क्या है, वेर कि आप छोटी कुछ लर्निंग चीज लेके घूम रहे हो, जैसे कि आप पॉकेट बुक्स, कई लोग पॉकेट में बुक्स लेके घूमते हैं, कई लोग ऑडियो बुक्स लेके घूमते हैं, आज के डेट में फ्लैश कार्ड्स होते हैं, आज के डेट में सब एप्लीकेशंस आ गए हैं, सब स्टडी एप्स लेके हैं, कई लोग इसके साथ एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स वर्क, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिकली उसको देखने में। जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें आपको थ्योरी, उसमें आपको फॉर्मूला, दवाइयां, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट, ड्रग डोसेजेस, ड्रग फार्मेकोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉन मेडिकल हो, कोई केमिस्ट्री का, मैथ्स का फॉर्मूला बेसिक, ये कई चीजें आप उसमें रख सकते हो, राइट, वो काम आती है। और एक रिसर्च में देखा गया कि डिफरेंट लोकेशंस में जब आप पढ़ते हो, याद करने की कोशिश करते हो, तो डिफरेंट लोकेशंस में पढ़ने से याद ज़्यादा रहता है। एक ही लोकेशन पे फिक्स होके पढ़ना इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, अलग अलग लोकेशन पे, वहाँ वो पढ़ा था, वहाँ वो पढ़ा था, मेमोरीज बेटर रिटेन करती है। ये डिफरेंट लोकेशन एक ही बिल्डिंग में अलग अलग जगह, एक ही कमरे में अलग अलग जगह हो सकती है, या टोटली अलग अलग जगह हो सकती है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है डिफरेंट लोकेशन। फिर ग्रुप स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, दो कारण से। नंबर एक, अगर कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो ग्रुप में अब लोग ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को सिखा दें। छोटा छोटा टॉपिक है, आपने कुछ पढ़ लिया, आप दूसरे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, बिकॉज आप उसको सिखाते हो कि उसको समझ जाए तो आपको ज्यादा समझता है, उसको भी समझता है, सो यू क्लियर ईच अदर्स कॉन्सेप्ट। नंबर दो, जब आपके बेसिक सारे क्लियर हैं, देन यू सॉल्व थिंग्स टुगेदर, राइट, और आपको अपने अलावा एक थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है जो हेल्पफुल होता है आप ही के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स और नए नए क्लियर करने के लिए फंडे, राइट, सो ग्रुप स्टडी इज वेरी गुड। फिर क्या क्या और क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स लगा के कई लोग पढ़ाई करते हैं, पोस्ट इट नोट्स जो होते हैं अपने घर में, अपने रूम में, अपने आने जाने वाले रास्ते में, खासकर एग्जाम टाइम पे, एग्जाम टाइम पे की नोट्स, की पॉइंट्स, की फैक्ट्स वहां लगा के आते जाते देखते रहो याद हो जाएगा, एग्जाम टाइम पे जरूरी, स्टिकी नोट्स, पोस्ट इट नोट्स, और डायग्राम बना बना के पढ़ो, स्टिकी मैन बना के, उससे भी बहुत फायदा होता है मेमोरी में आने के लिए। माइंड मैप बनाते हैं कई लोग और कुछ करते हैं, राइट, और हाँ ऑब्वियस बात है, देखो आपको पुराने पेपर्स पढ़ने होंगे, पोस्ट ओल्ड पेपर्स सॉल्व करके देखिए, या मॉक टेस्ट करके देखिए, दोज आर बेसिक्स, वो तो सब करते हैं, बट ये सारी चीजें करनी है, मॉक टेस्ट भी देने, ये भी करना है, हैंड्स ऑन करके देखो, कोई अगर प्रैक्टिकल पॉइंट है, कोई फिजिक्स का है, कोई ऐसी साइंस की बात है जिसको आप हैंड्स ऑन करके देख सकते हो, करके देखो, वो फिर कभी नहीं भूलेगा, उसके कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट। और इस चीज में आपके कम्युनिकेशन स्किल भी इंपॉर्टेंट है, कि भाई अगर आपका वाइवा है, प्रैक्टिकल है, आपको बात करना आना चाहिए, सो रिमेंबर, मेक श्योर टू बी सोशल, फ्रेंड्स से बात करते रहो, फैमिली से बात करते रहो, कम्युनिकेशंस करना बहुत जरूरी है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को देखो, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई 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 अपने आप को देख ही नहीं रहे, लुक एट योर सेल्फ, दिन पर दिन बीमार कमजोर तो नहीं दिख रहे हो, खाना टाइम से खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो,
क्या खा रहे हो, बैलेंस डाइट है कि नहीं, नींद सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे। 6 घंटे कम से कम नींद नहीं लोगे तो 2-4 दिनों में आपकी खुद की माइंड की कैपेबिलिटी और कम होती जाएंगी। रिमेम्बरिंग तो दूर की बात है, लर्निंग तो दूर की बात है, राइट। तो नींद बहुत जरूरी है, नींद नहीं होगी तो आप ड्राउजी ड्राउजी होगे, और ड्राउजी ड्राउजी होके एग्जाम में जाना कौन चाहता है, ड्राउजी ने तो आपको खुद ही सही से होश नहीं रहेगा, नो पॉइंट। नींद नहीं लेना है। डाइट के बारे में आप अलग से वीडियो बनाएंगे कि एग्जाम टाइम में कैसी डाइट लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, राइट। स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है, थोड़ा सा टाइम निकालो, 10 मिनट 5 मिनट अपनी हॉबीज के लिए, अपने मेडिटेशन के लिए, अपने म्यूजिक के लिए, जो भी हंसने को लाफ्टर वाला वीडियो कुछ ऐसा देखने के लिए थोड़ा बीच में टाइम 5 मिनट निकालो। दैट फ्रेशन्स योर माइंड, फ्रेश माइंड लेके फिर आप वापस सब्जेक्ट पे जाओ, दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ, स्विच करो, इन सब चीजों को मिक्स एंड मैच करके पढ़ाई करो, एंड यू विल सी कि आपका रिजल्ट बेटर बेटर होता जाएगा। और डाइट बहुत जरूरी है एग्जाम टाइम की, उस पर एक डिफरेंट वीडियो आएगा, जरूर देखना, और ये वीडियो शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट में बताना आप कैसे पढ़ाई करते हो। ओके, टेक केयर, गुड डे।